नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं शिल्पी मिश्रा। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के दो दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार मोदी आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी की सबसे बड़ी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। पीएम ने आजमगढ़ में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी के जरिए भाषण की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि यूपी में विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी सरकार के सबसे बड़े परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास करने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी उनकी योजनाओं को अपने नाम से प्रचारित कर रही है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पहले ही कर चुके हैं। बीजेपी अब समाजवादी शब्द को हटाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर उद्घाटन कर रही है। पीएम मोदी के आजमगढ़ दौरे को लेकर बलिया में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर कांग्रेसियों ने मोदी गो बैक किनारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आना था, लेकिन बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं लाई गई, जिसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार से जन आशीर्वाद यात्रा उज्जैन से शुरू कर दिया है। उससे पहले वो बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रथम चरण की यह यात्रा लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 11 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। तब कार्यक्रम के मुताबिक रविवार को यात्रा उज्जैन जिले के बाईनगर से शुरू होगी और विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र से होते हुए रतलाम जिले में पहुंचेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा 55 दिनों तक चलेगी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री रथ और मंच सभाओं को मिलकर लगभग 700 सभाओं को संबोधित करेंगे। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 नए सदस्य मनोनीत किए, जिसमें आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा, किसान नेता राम शक्ल, मूर्तिकार रघुनाथ महापात्रा और क्लासिक डांसर सोनम मानसिंह के नाम है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत किया है। फिलहाल 243 सदस्य राज्यसभा में 4 सीटें खाली थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को गिरफ्तार कर लिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में नवाज और मरियम की गिरफ्तारी लंदन से लौटते ही एयरपोर्ट पर की गई। नवाज शरीफ परिवार की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। अभी उन पर अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और संपत्ति छिपाने के 2 मामले चल रहे हैं, जिनमें उन्हें सजा मिलना तय माना जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को सोमवार तक जेल में ही रखा होगा। शरीफ के वकील ने बताया है कि फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को अपील दायर की जाएगी। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 141वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इस रथ यात्रा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी शिरकत की। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर मंदिर और पुलिस ने सभी तरह के कड़े इंतजाम किए हैं। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने रथ को खींचकर जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने परंपरा के तहत रथ के आगे झाड़ू भी लगाई। अहमदाबाद में रथ यात्रा करीब सुबह 7 बजे निकली। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से हजारों लोग अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर यात्रा पर निकलेंगे। भगवान की इस रथ यात्रा में करीब 2500 साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, इस रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 1.5 करोड़ रुपए का बीमा भी कर लिया गया है। रथ यात्रा के दौरान अगर कोई बड़ी जनहानि होती है तो उसके लिए बीमा सुरक्षा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में शिया वक्फ बोर्ड के राम मंदिर के लिए जमीन दिए जाने का दावा करने पर आजम खान ने बयान दिया। आजम खान ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड नॉमिनेटेड है। साथ ही उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड पर दंज कसते हुए कहा कि शुक्र है उन्होंने सारी मस्जिदों को मंदिर में बदलने को नहीं कहा।
काशी के लखा में 3 दिवसीय रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। रथ पर सवार जगन्नाथ प्रभु भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण को निकले। लगभग 237 साल पुरानी ये रथ यात्रा मेला अपने आप में ही कई परंपराओं को समेटे हुए है। पुरी के बाद धर्म नगरी में शुरू हुए रथ यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। जम्मू और कश्मीर से हज के लिए पहला जत्था आज श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना हुआ। सप्ताह के पहले तीन दिनों कर रोजाना 4 उड़ानें होंगी। राज्य हज समिति के कार्यकारी अधिकारी सईद कमर सज्जात ने बताया कि 14 से 25 जुलाई तक रोजाना एयर इंडिया से श्रद्धालु जिहाद शरीफ के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि इस बार हज यात्रा में स्टैंडर्ड सामान ही ले जाने की अनुमति है। गौरतलब है कि इस बार जम्मू और कश्मीर में 9773 श्रद्धालु हज के लिए जा रहे हैं। 25 अगस्त से वापस आएंगे हज यात्री। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा 14 और 15 जुलाई को 2 पारियों में आयोजित की जानी है। पहली पारी में आयोजित हुई परीक्षा में नागौर जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर करीब 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। पूर्व में नकल गिरोह के सक्रिय होने के इस बार परीक्षार्थी के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पीलीभीत के तराई इलाके में बाढ़ कहर ढा रही है। शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने से शारदा क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। यूपी के हरदोई में बरसात के मौसम ने पहली तेज और झमझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए, तो वहीं बरसात ने नगर पालिकाओं की साफ सफाई व्यवस्था की भी पोल जरूर खोल कर रख दी। जगह जगह जल भराव के साथ कई जगह मकान ढह गए। भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश से किसानों को राहत मिली है। बिजनौर में बच्चे बारिश का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। मुरादाबाद में एक जालसाज द्वारा खुद को दरोगा बताकर एक कारोबारी को धमकाने का मामला सामने आया। फर्जी दरोगा बनकर युवक ने कारोबारी को वॉशिंग मशीन घर भिजवाने को कहा। फर्जी दरोगा की पोल उस वक्त खुली जब कारोबारी ने वॉशिंग मशीन जालसाज के घर न भिजवाकर चौकी पर भिजवा दी। मामला सामने आने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के संभल में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पर गैंगरेप में नाकाम होने पर दबंगों ने महिला को जिंदा जला दिया। हत्या का आरोप गांव के ही 4 लोगों पर लगा। बताया जा रहा है कि महिला का पति दिल्ली में मजदूरी करता है। घर में महिला को अकेली पाकर गांव के ही लोगों ने घटना को अंजाम दिया। यूपी के उन्नाव एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना बांगरमऊ कोतवाली के महाराजपुर गाँव के पास की है, जहाँ तेज रफ्तार डस्टर कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। यूपी के बस्ती में धरने पर बैठे लेखपालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने जिला अध्यक्ष, सचिव और चारों तहसील के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 690 लेखपालों को नो वर्क के आधार पर वेतन रोक दिया गया। साथ ही 474 लेखपालों को नोटिस जारी की गई। आगरा में एक व्यापारी को कार सवार लोगों से लिफ्ट मांगना भारी पड़ गया। पहले से ही कार सवार एक महिला और 3 पुरुषों ने व्यापारी से 1,30,000 रुपए छीन लिए। जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो उसे जमकर पीटा। व्यापारी से मारपीट के बाद आगरा कानपुर हाईवे स्थित कल्पना रोड होटल के पास उसे फेंक कर कार से चले गए। चूड़ी व्यापारी अनु शर्मा फिरोजाबाद का रहने वाला था। पुलिस यमुना एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। बांदा में नकली आईपीएस की गाड़ी ने शहर में तहलका मचा दिया। सूचना मिलते ही मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरे शहर में नाकाबंदी करा दी गई। कुछ ही घंटों में फर्जी आईपीएस की गाड़ी 3 लोगों को सहित पकड़ ली गई। पकड़े गए लोगों के पास से एक पिस्टल, 23 कारतूस, 1 सायरन और 2 एंटीना बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने हुए था। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के पॉस कॉलोनी राधापुरम एस्टेट में एक चिकित्सा की पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के बस्ती में विश्व हिंदू महासभा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिग्विजय सिंह राणा ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु की मांग। दिग्विजय सिंह राणा का कहना है कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल में राम मंदिर को लेकर के निराशा हाथ लगी।
यूपी के गोंडा में दबंगों ने एक महिला को जिंदा दफनाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि एक महिला शौचालय बनवाने के लिए गड्ढा खोद रही थी, तभी गांव के दबंगों ने महिला को उसी गड्ढे में फेंक कर उसे दफनाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर फरार दबंगों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि चार आरोपियों में से दो आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी का मुरादाबाद नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नगर में काम कर रहे 104 सफाई कर्मियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होने के बावजूद इनको हर महीने सैलरी का भुगतान किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा सैलरी का भुगतान इन सफाई कर्मियों को किया जा चुका है। नगर निगम की शुरुआत जांच में कर्मचारियों के फर्जी होने का शक। नैनीताल में उन रसूखदारों की मुसीबतें बढ़ गई हैं जिन्होंने कार्बेट पार्क के आसपास सरकारी और वन भूमि में कब्जा कर अपना हित साध रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर के ऐसे कई रिजॉर्ट मालिकों की पुनर्विचार याचिका को सुनने से मना कर दिया है। कोर्ट ने ऐसे सभी याचिका को उसी बेंच को भेज दिया है जिस कोर्ट ने अतिक्रमण पर आदेश पारित किया था। साथ ही कोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता ने 14 अन्य रिजॉर्ट मालिकों को भी पक्षकार बना दिया है। अब कोर्ट 2 हफ्ते बाद याचिका पर सुनवाई करेगी। हल्द्वानी और रुद्रपुर में हुई दो लूट और हत्याकांड को दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इन दोनों मामलों के आरोपी जैन हसन उर्फ इकराम और खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। नमस्कार।